इस सबके बीच आपको सीधे लेकर चलते हैं प्रयागराज। हमारे सहयोगी वीरेश मौजूद हैं और उनके साथ इस वक्त हिंदू पक्ष के वकील जो हैं वो बात कर रहे हैं, जरा सुनते हैं। नहीं हो सकता है क्योंकि स्टेज नहीं है, साथ ही साथ एविडेंस लीड करने की एक्सरसाइज, उन दोनों आर्गुमेंट्स को कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है और ये कहा है कि एसआई ने जब एफिडेविट दे दिया तो उसको डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता। अच्छा विष्णु जैन जी, अभी हम स्टूडियो से जुड़े हैं और दर्शक, पूरे देश के दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आम दर्शक जो समझ सके कहां व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा था, मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या दलील दी जा रही थी और आप हिंदू पक्ष के मुख्य वकील हैं, आपने क्या दलील दी काट में? देखिए, अंजुमन इंतजामिया का जो मेजर केस था वो तीन पॉइंट थे। पहला पॉइंट था एसआई सर्विस से स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, जिसपे एसआई ने एफिडेविट दे दिया स्ट्रक्चर को बिना डैमेज किए हम ये एक्सरसाइज करेंगे। एसआई 2500 मॉन्यूमेंट प्रोटेक्ट करी, एसआई कभी डैमेज करने के लिए नहीं जानी जाती है, एसआई आने से किसी स्ट्रक्चर की लाइफ बढ़ जाती घटती नहीं है। दूसरी बात, उनका ये कहना था कि ये जो पूरी कार्रवाई है ये एविडेंस लीड करने की कार्रवाई है, तो कोर्ट ने कहा कि हाँ राम मंदिर के केस में भी एसआई सर्वे हुआ था और एविडेंस लीड करने की कार्रवाई है, एविडेंस फर्दर सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी है, इसलिए उस आर्गुमेंट को भी रिजेक्ट कर दिया। और तीसरा उनका आर्गुमेंट था कि इस स्टेज पे ये सर्वे नहीं हो सकता है, उस आर्गुमेंट को भी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और हमारे जितने आर्गुमेंट थे कोर्ट ने उसको इन टोटो माना है। अच्छा, आज भी एफिडेविट दिया था इंतजामिया कमेटी ने कि जो मेंशन किया था कोर्ट में केस हमें बिना बताए हुए। अच्छा हाँ, हमें बिना बताए हुए कोर्ट में कल मेंशन किया था, पर कोर्ट ने कहा कि हम जजमेंट कल डिलीवर करने वाले इसलिए हम आपको नहीं सुनेंगे। अच्छा, तीन बजे के लगभग ये जजमेंट आना था, आज 10 बजे ही कैसे? देखिए ऐसा नहीं है, चीफ जस्टिस की कोर्ट है और कोर्ट का ये विशेषाधिकार होता है कि वो कभी भी इसमें अपना फैसला सुना सकते हैं। कोर्ट जो बैठने का टाइम है वो 10 बजे बैठने का टाइम है और आज 10 बजे कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अच्छा, अगला फर्दर आप लोगों का जो कदम होगा वो क्या? फर्दर कदम यहाँ से काशी की तरफ होगा और गेट नंबर 4 से अंदर जाएंगे, वहाँ पे सर्वे करेंगे और सर्वे करके कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अच्छा, सर्वे कब से, डेडलाइन कुछ कब से शुरू हो सकता है सर्वे? अच्छा, और उसके बाद सर्वे कितने दिन में कंप्लीट होता नहीं होता है वो सारे ऑर्डर्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा। आज से होगा तो ये तय कौन करेगा, एएसआई प्रशासन? एएसआई नहीं, देखिए आप बात समझिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी का ऑलरेडी ऑर्डर है एएसआई को सर्वे करने का, उस ऑर्डर पे जो रोक थी वो रोक हटा दी। हाँ। तो आज से सर्वे, जिला जज के सारे जो फैसले थे उस पर मोहर लगा दी, उसको अपहोल्ड कर दिया। हाँ। और जो जिला जज का फैसला प्रभावी था, जिसके कंप्लायंस में एएसआई सर्वे कर रही थी सुबह 7 बजे से, वो फिर से प्रभावी हो चुका है। तो लीगल पोजीशन ये है कि सर्वे आज से दोबारा चालू हो सकता है, कभी भी चालू हो सकता है, क्योंकि जो जिला जज ने फैसला दिया था एसआई सर्वे को लेकर उस पर मुहर हाई कोर्ट ने लगा दी है। अब अगर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाता है तो मुस्लिम पक्ष के खिलाफ हिंदू पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार है, ये दावा है विष्णु जैन का जो मुख्य वकील है। बहुत शुक्रिया वीरेश पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।